इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 271 अराकीन ने पार्लियामेंट व सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। मुअत्तल किए गए अरकान में कौमी असम्बली के 136 और 21 सेनेटर भी शामिल हैं। सिंध असम्बली के 48 और खैबर पख्तूनख्वा के 54 अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की गई है। अराकीन पार्लियामेंट की रुकनीत माली गोशवारे जमा ना कराने पर मुअत्तल की गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बलूचिस्तान असम्बली के 12 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुअत्तल मेंबरान असम्बली के इजलासों में शरीक नहीं हो सकेंगे। एतमाद के वोट समेत कानून साजी में भी मुअत्तल मेंबरान शरीक नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन स्पीकर असम्बली और चेयरमैन सेनेट को मुअत्तल मेंबरान की फहरिस्त भिजवाएगा। बताया गया है कि जिन अरकान ने कौमी असम्बली के रुकनीत मुअत्तल की गई है, इनमें एहसन इकबाल, ताज हैदर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, सरताज गुल, तारक बशीर चीमा, असद उमर, उमर अयूब, नवीद कमर शामिल हैं, जबकि सेनेटर्स में शौकत तरीन, अब्दुल गफूर हैदरी और अहमद ख़ान की रुकनीत मुअत्तल की गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सानिया निश्तर, अनारुल्ला काकड़, असद कैसर, उमर अयूब, नूर आलम खान, शहरयार अफरीदी, नूरुल हक कादरी, ग़ुलाम सरवर ख़ान, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन रांझा, शफकत महमूद, फहमीदा मिर्ज़ा, अली जैदी, कंवल शोज़ब, अंदली अब्बास की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है।